सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंग्लिश वर्ड पे। सो आज हम चैप्टर लिविंग वर्ड करने वाले हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th का बायोलॉजी में। सो गाइस, वीडियो को फुल लास्ट तक ज़रूर देखना। इसमें मैं पूरी एनसीईआरटी कवर करने वाला हूँ और मैं टॉपिक वाइज आपको समझाऊंगा। सो अगर आप नए हो चैनल पे तो भाई सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, लाइक कर देना इस वीडियो को और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी जाके ज्वाइन कर लो यार, वहाँ पे मैं स्टडी मटेरियल डालता रहता हूँ और अपनी वीडियोज़ भाई कब डालूंगा, किस टॉपिक पर डालने वाला हूँ वो भी वहाँ पर डलती रहती हैं। सो गाइज, जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो गाइज, अब चलते हैं हम अपने एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो जैसे कि आप देख सकते हो गाइज, मैं एनसीईआरटी बेस्ड में आपको समझाने वाला हूँ और इसमें जितने भी मैंने लाइंस अंडरलाइन करी हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सो आप प्लीज़, मैं ये पीडीएफ है ना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको डाउनलोड कर लेना या फिर अपनी आप जो आपकी हैंड बुक है उसमें आप वहाँ पे अंडरलाइन हाईलाइटर की हेल्प से कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो, और हाँ, आज हम लिविंग वर्ड पढ़ने वाले हैं गाइज, जो कि फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th का बायोलॉजी में। और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं और मैं आपको टॉपिक बहुत एक एक करके टॉपिक्स अलग अलग वीडियोस में पार्ट्स में बना के समझाने वाला हूँ। पहला टॉपिक, व्हाट इज लिविंग, देन डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, देन टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज एंड देन टैक्सोनॉमिकल एड्स। सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं गाइज, वो है व्हाट इज लिविंग, ठीक है। सो जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये पहला जो पैराग्राफ है इसमें कुछ नहीं लिखा, बकवास लिखा हुआ है, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत तो नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहो, टाइम है तो पढ़ सकते हो। शुरू शुरू में तो क्रेज़ होता ही है तो भैया बच्चे तो ज़रूर पढ़ेंगे इसे, पर कोई इसमें ऐसा की चीज़ नहीं लिखी जिससे क्वेश्चन बन सके। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, 1.1, दैट इज़ व्हाट इज़ लिविंग। तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया भाई, लिविंग क्या है। तो यहाँ पे जो शुरू की चार लाइनें, ये भी कुछ बकवास लिखी हुई हैं, बोला गया है भैया आप ये सब सोच सकते हो, वो सब सोच सकते हो। सो मेन अब हम टॉपिक पे आते हैं कि भाई ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं। जैसे कि हम सभी को पता है, सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो ग्रो करती है, ठीक है। अब ग्रो का मतलब क्या है भाई, इंक्रीज इन द मास एंड एज वेल एज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अगर आप कोई बोले भाई ग्रोथ को डिफाइन करो, व्हाट इज़ ग्रोथ, मतलब आप ग्रोथ को कैसे आप दिखाओगे भाई, आप समझोगे कि ये ग्रोथ है, तो उसके लिए आपको ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इनकी देखनी पड़ेंगी जो कि यहाँ पे लिखी हुई हैं। दैट इज़ इंक्रीज इन द मास एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। मास का बढ़ना और इंडिविजुअल्स का जो काउंट है वो बढ़ता जा रहा है, 2 से 3, 3 से 4, तो मतलब ग्रोथ हो रही है। सो इसलिए यहाँ पे ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो क्वेश्चन आ सकता है एनसीईआरटी से। भैया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर देख लेना। सो अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पे कुछ बहुत सारी चीज़ें अंडरलाइन कर रखी है मैंने। इन प्लांट्स, जैसे कि आपको पता है प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है, प्लांट्स की ग्रोथ में यहाँ पे बात करी गई है, वो सेल डिवीजन से होती है और वो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन होती है। यहाँ पे देखा हुआ है, यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन्स हैं, एनसीईआरटी इज़ द बाइबल ऑफ नीट, मतलब नीट को क्रैक करने के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट। एनसीईआरटी की लाइन्स बाय लाइन से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सो जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट द लाइफ स्पैन होती है, जब तक वो जिएंगे, जब तक वो उनकी ग्रोथ होती रहेगी, वो बढ़ते रहेंगे मास में भी, ठीक है। वो प्लांट्स के बारे में बात हुई, और अगर एनिमल्स के बारे में बात हुई तो भाई उनकी ग्रोथ जो होती है गाइज, वो एक अप टू अ सर्टेन एज तक फिक्स होती है, ओके। एक सर्टेन एज के आने के बाद वो ग्रोथ रुक जाती है। सो अगर मैं ह्यूमंस की बात करूँ तो उनकी भी भाई एक एज लिमिट के बाद जो हमारी ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। जैसे कि अगर हम एक एज 18-19 के बाद हमारी टॉलनेस में हमारी टॉल जो हमारी हाइट होती है वो कम हो, जो हमारी हाइट होती है वो रुक जाती है, बढ़ती नहीं है। तो भाई यही इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। और इसके आगे बात करूँ तो भाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ठीक है, वो भी भाई जो डिवाइड करते हैं बाय सेल डिवीजन करते हैं डिवाइड, ठीक है। ये मैंने अंडरलाइन नहीं किया क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, ठीक है। और जैसे सबको पता है, इसके बाद बात करी गई है कि हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं इन विट्रो कल्चर, इसके बारे में मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज़ में समझाऊंगा। और गाइज, हम कैसे कर सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है यहाँ पे, अगर आपको उनकी ग्रोथ आपको देखनी है, ऑब्जर्व करनी है, तो माइक्रोस्कोप के अंदर आप देखोगे तो भाई आप सिंपली काउंट कर लो उनके सेल्स, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ, थोड़े दिन बाद उनके जो सेल्स हैं, कुछ कुछ घंटों के बाद भी होते हैं, उनके सेल्स के नंबर बढ़ रहे हैं, तो मतलब वो ग्रोथ हो रही है, ठीक है, समझ गए आप इस बात को। और आगे आप देख सकते हो, इन मेजॉरिटी ऑफ हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स की बात करूं तो भाई उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे एनसीईआरटी की मेंशनड है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। मैं इसको ट्रिपल बार अंडरलाइन कर चुका हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि भाई ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। अब एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या है गाइस, समझो इस बात को, एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब वो इवेंट्स जो एक समय पे एक साथ ना हो सके, ठीक है। दो अलग अलग इवेंट्स जो एक साथ एक समय पे ना हो सके उनको कहते हैं हम एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो जैसे कि आपने लिखा है कि हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स की बात करूं तो उसमें जो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, वो एक साथ नहीं हो सकता, ग्रोथ अलग है, रिप्रोडक्शन अलग है, हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स की बात हो रही है, पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सेम रहता है, ओके।
इसके बाद बात करूं कि हमें पता रहनी चाहिए कि इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर एज ग्रोथ, ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स में भी। इसके बाद कुछ बातें करी गई हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में, ठीक है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करी गई है कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है भाई वो भी ग्रो करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि कैसे ग्रो करते हैं यार, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करने लगे, वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म करते हैं। जी हाँ, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी करते हैं, जैसे माउंटेन्स, बोल्डर्स एंड सैंड माउंट्स टू ग्रो। अगर जैसे आपने एक माउंटेन देखी, हम ध्यान से सुनो, माउंटेन है भाई, ये स्नो माउंटेन समझ लो, फिर सैंड माउंटेन समझ लो, आपने अभी पिक्चर क्लिक करी उसके बाद अब भाई तूफान आया और तूफान के बाद उसके ऊपर और स्नो जमा हो गई, या फिर स्नोफॉल हुई और सैंड और जमा हो गई, उसमें स्नोफॉल अलग और सैंड मतलब अलग अलग, मैं आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ। स्नो हुई तो भाई स्नोफॉल से भाई थोड़ा माउंटेन और उसमें और स्नो जमा हो जाएगी, तो मतलब उसका जो स्नो की जो विड्थ में आप समझो या हाइट समझो वो बढ़ जाएगी, मतलब माउंटेन भी थोड़ा ग्रो कर गया यार इस मामले में। और सैंड की बात करूँ तो उसमें भी भाई अगर सैंड में और ऊपर आके सैंड डल गई तो थोड़ा और ग्रो हो गया। तो नॉन लिविंग थिंग्स मतलब यहाँ पे इस मायने में ये बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप बात करूं यहाँ पे लिखा हुआ बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल, एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल की हेल्प से यहाँ पे ग्रोथ होती है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। उसके बाद यहाँ पे बात करी गई है भाई ग्रोथ एंड देयरफॉर कैन नॉट बी टेकिंग एज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम ग्रोथ को एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले सकते यार, इसका क्या मीनिंग है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का। एक ऐसी प्रॉपर्टी यहाँ पे इस केस में कि जो नॉन लिविंग एंड लिविंग को डिफ्रेंशिएट कर सके, ठीक है। अब आप डिफरेंस, अगर आपको डिफरेंस लिखने को आए तो आप ये नहीं लिख सकते भाई कि ग्रोथ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है नॉन लिविंग में नहीं होती, ऐसा तो नहीं है यार, दोनों में होती है। तो भाई एक डिफरेंस करने के लिए एक ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है कि हम जिसके बेसिस पे नॉन लिविंग और लिविंग को डिफरेंशिएट कर सकें आपस में, इसलिए एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। सो ये आपने समझ लिया होगा बड़ी आसानी से, अब आगे चलते हैं। अब रिप्रोडक्शन की बात आती है ग्रोथ के बाद, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम सबको पता है रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे बताया गया कि भाई रिप्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेनी, आगे हमारे जो ऑर्गेनिज्म और जनरेशन का जो आगे बढ़ना होता है उसको रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें भैया हमारे प्रोजेनी फॉर्म होते हैं और आगे भाई जीन ट्रांसफर भी होते हैं, वो आप आगे आने वाले चैप्टर्स में भी पढ़ोगे। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि हम सबको पता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो भी आप आगे जाके पढ़ोगे, यहाँ पे कोई इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। और भाई ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी यहाँ पे रिप्रोड्यूस करते हैं हम, जैसे कि आपको पता है दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, ठीक है। इसके बाद एसेक्सुअल में भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन वाले यहाँ पे रिप्रोडक्शन होते हैं, जैसे फंजाई के बारे में जो कुछ यहाँ पे, ये जो पैराग्राफ जो मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, ये बता रहा हूँ, ये जो पैराग्राफ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बताया गया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कि भाई जो फंजाई होता है गाइज वो एसेक्सुअल स्पोर्ट्स की हेल्प से यहाँ पे मल्टीप्लाई करता है, मतलब रिप्रोड्यूस करता है। और जो फंजाई में एसेक्सुअल स्पोर्ट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, कॉनिडिया होता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन एसेक्सुअल स्पोर फाउंड इन फंजाई इज कॉनिडिया, एग्जाम्पल कॉनिडिया ऑफ पेनिसिलियम, जो कि एक फंजाई है, ओके। अब आगे चलते हैं गाइज, यहाँ पे बताया गया है कि भैया मिलियन ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स, जो कि मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे हीस्ट एंड हाइड्रा जो होते हैं वो बडिंग की हेल्प से रिप्रोड्यूस करते हैं, बडिंग, जैसे भैया एक ऑर्गेनिज्म में उसके ऊपर से बड निकल आई, फिर वो बड टूट जाती है और फिर वो एक नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर देती है, उसे बडिंग कहते हैं। अगर हम प्लेनेरिया की बात करें तो भाई ट्रू रीजनरेशन होता है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई प्लेनेरिया के केस में ट्रू रीजनरेशन होता है। तो ऐसे पूछ सकते हैं भाई फ्रेगमेंटेशन किस में होता है, रीजनरेशन किस में होता है, बडिंग किस में होती है, तो भाई आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। प्लेनेरिया को यहाँ पे देख सकते हो, फ्लैटवॉर्म्स भी कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है प्यार से बड़े, भाई एनसीईआरटी बड़े प्यार से लिखती है, तो भैया आपको पढ़ना तो जरूरी है। और यहाँ पे बात की गई है जो फंजाई एंड द फिलामेंटस एल्गी एंड द प्रोटोनिमा ऑफ मॉसेस, ये फ्रेगमेंटेशन से डिवाइड होते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल्स ही आपको अच्छे से लर्न करने चाहिए, बाकी यहाँ पे कुछ इतना नहीं लिखा हुआ है। यहाँ पे बताया गया जो अमीबा होती है, हम सबको पता है बाइनरी फिशन से मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। और इसके बाद चलते हैं भाई नीचे, और ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट प्रोड्यूस, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रिप्रोड्यूस ही नहीं करते, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, नॉन लिविंग तो भाई करते ही नहीं है, ठीक है। जैसे म्यूल्स, यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूल्स, स्टराइल वर्कर्स बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, कुछ ह्यूमन कपल्स होते हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, बेबी फॉर्म नहीं कर पाते। और म्यूल्स जो होते हैं, म्यूल्स कहते हैं भाई, म्यूल जो होता है वो होता है हॉर्स और गधे का बच्चा, ठीक है। हॉर्स एंड गधे के बच्चे को हम कहते हैं द सन ऑफ हॉर्स एंड डोंकी इज नोन हैज म्यूल, जो कि इनफर्टाइल होता है, जो कि इनफर्टाइल होता है और भाई रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता, तो ये इनके यहाँ पे एग्जांपल्स में आता है। तो भाई अब बताओ, आप ही बताओ कि रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बताओ येस और नो। नहीं ना, नहीं है यार, ये रिप्रोडक्शन कैसे हुआ अगर चलो मैं मान लिया कि लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस नहीं करते, पर लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी तो कुछ ऐसे एक्सेप्शन है जो कि रिप्रोड्यूस ही नहीं करते। सो अब कैसे आप दोनों की तुलना कर सकते हो, नॉन लिविंग मान लिया नहीं करते पर लिविंग में भी तो कहाँ करते हैं कुछ,
तो एक्सेप्शन जहाँ पे आ जाते हैं तो हम उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं हुई, ठीक है। अब आगे चलते हैं भाई मेटाबॉलिज्म के ऊपर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ केमिकल्स, भाई हम केमिकल्स के फॉर्म में, हम पूरे हमारी बॉडी केमिकल्स से मिलके बनी है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि बिल्कुल ट्रू है। सो ये आपको यहाँ पे लाइन लिखनी है। कुछ जो केमिकल्स होते हैं स्मॉल होते हैं, कुछ बहुत बिग होते हैं, जिनके साइजेस वेरियस साइजेस होते हैं, उनकी क्लासेस होती हैं, उनकी फंक्शंस अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। सो ये आप बायो मॉलिक्यूल्स में थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे कोई इतनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है। ये देखो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा, सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस अकर इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, या फिर कोई भी बॉडी, ठीक है, लिविंग बॉडी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल, जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, उनका सम को हम कहेंगे, एक नाम दे देंगे जिसको हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म। यहाँ पर बात करिए कि वाइल मेटाबॉलिज्म इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन, मेटाबॉलिज्म में कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता, ठीक है। तो आपको ये बस लर्न करके रखना है कि मेटाबॉलिज्म ही अभी तक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी देखी गई है, और भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, पर अभी इन तीनों में हमने जो पढ़ा, दैट इज ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सेप्शन। ये कुछ कुछ जो चीज़ें होती है ना, ये बहुत आपको मायने रखनी है। ये मैं अच्छे से अंडरलाइन कर देता हूँ फिर से, यार कभी भूल ही जाओ यार आप लोग, विदाउट एक्सेप्शन, भाई यार अंडरलाइन नहीं हो रहा यार, चलो कोई बात नहीं, हो गया लो, ठीक है, विदाउट एक्सेप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपको ऐसे कुछ कुछ पता, जानबूझ के बेवकूफ़ बनाने के लिए आपको एक्सेप्शन देंगे, तो आप सोचोगे यार ये कभी होता ना हो, नहीं यही नहीं करना है हमें, पता है भाई मेटाबॉलिज्म में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कुछ भी दे दो भाई एक्सेप्शन ही नहीं है उसमें, मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म, वही सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मेटाबॉलिज्म को यहाँ पे रेफर कर रहा है, वो एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले ही बता दी। इसके बाद यहाँ पे एक लाइन है, मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर कौन सा है, एबिलिटी टू सेंस, सेंसिबिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है हर बार कि भाई मोस्ट ऑब्वियस और टेक्निकली, ये जो लाइन है देखो ये लाइन दिख रही है, मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर कौन सा है भाई, वह है एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग, दैट इज सेंसिबिलिटी जिसको कहते हैं, और यहाँ पे जैसे कॉन्शियसनेस बोलते हो उसे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल फैक्टर, भैया प्लांट्स लाइट वाटर इन सब से भाई इफेक्ट करके रिस्पॉन्ड करता है, आपने सनफ्लावर को देखा होगा, जहाँ सन आता है वहीं वो अपना फेस कर लेता है, तो रिस्पॉन्ड तो कर रहा है ना, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है, उसके पास सेंस है खुद का भाई, एबिलिटी टू सेंस द सराउंडिंग्स, वो देख पा रहा है भाई लाइट यहाँ पे है तो मैं जी यहाँ झुकना है, तो भाई उसमें इतना भैया दिमाग है, समझ रहे हो। इसके बाद यहाँ पे बात किया गया ऑल ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट से लेकर मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स ले लो, तो जितने भी ले लो आप ऑर्गेनिज्म वो सारे सेंस कर सकते हैं, कैन सेंस, और फोटो पीरियड इफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स, जो फोटो पीरियड होता है, फोटो पीरियड मतलब लाइट भाई, मतलब लाइट, अब दे दे दिन रात का यहाँ पे समय फोटो पीरियड कहते हैं, मतलब सनलाइट जो होता है वो इफेक्ट करता है रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स, जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं वो सिर्फ जो सीजन टू सीजन ब्रीड करते हैं भाई, जब उनका सीजन आता है वो जब भी ब्रीड करते हैं, ठीक है, इन पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है फोटो पीरियड, ओके। ह्यूमन बींग की बात करूँ तो वो अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, सिर्फ ह्यूमन बींग ही एक ऐसा, आपको मैं बताऊँ, ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि भाई अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, वो अपने आप उसको, वो अपने आप से अवेयर है भैया, वो क्या कर रहा है ज़िंदगी में, क्या वो अब करने वाला है, सब वो अपने आप का उसको पूरा ध्यान रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस कहते हैं भाई, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ठीक है, ये आ सकता है। और कॉन्शियसनेस आपको जैसे कि पता है डिफाइनिंग फीचर है ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होती है भाई उनके अंदर सेंस नहीं होता, ठीक है, समझ रहे हो ना, पेन के अंदर कहाँ सेंस की भाई, वो उसको कौन पकड़ रहा है, ठीक है, उसको कहाँ सेंस इतना। अब आगे बढ़ते हैं भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज आर नॉट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स बट अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शंस, जो प्रॉपर्टीज ऑफ टिश्यूज हैं वो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स में नहीं प्रेजेंट होती, वो एक, वो अराइज कहाँ से होती हैं, दे आर द रिजल्ट ऑफ द इंट्रैक्शन अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल, जो इंट्रैक्शन हो रही है जितनी भी सेल्स वो एक साथ काम कर रहे हैं उसका वो रिजल्ट है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी डिफाइन करता है किसी भी एक टिश्यू की, ओके। अगर आगे मैं बात करूँ, यहाँ पे कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये लाइन, लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग एवॉल्विंग एंड सेल्फ रेगुलेटिंग इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जैसे कि आपको मैंने बताया जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, इवॉल्विंग है भाई एवोल्यूशन, आप 12th क्लास में पढ़ोगे, सेल्फ रेगुलेटिंग और भाई कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कोई भी आसपास चीज़ हो रही है हम सेल्फ कॉन्शियस है, ठीक है, ये मैंने आपको उसके बाद बताया, ह्यूमन बींग्स के पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं मैंने आपको बताया सारे सेंस कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे फालतू की थोड़ी थोड़ी बातें कही गई हैं बायोलॉजी के बारे में, पर बायोलॉजी बहुत ही अच्छी है, अच्छे से पढ़ना तो बहुत मजा आने वाला है, कि बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, वाह व्हाट अ लाइन, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, वाह 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 क्या बात करी गई है इसमें,
पर इसमें कुछ इतना खास चीज़ है नहीं। तो बस हमारा ये टॉपिक गाइस इसी के साथ ख़त्म होता है, फर्स्ट टॉपिक 1.1 दैट इज़ व्हाट इज़ लिविंग। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, आपको मैं पूरी कोशिश मैंने आपको अच्छे समझाने की करी, तो भाई आपको समझ में तो आ ही गया होगा अच्छे से। सो कैसा लगा आपको भाई ये वीडियो? देखो व्हाट इज़ लिविंग मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। सो बस कैसा लगा आपको वीडियो? मैं अब अगली वीडियो लाने वाला हूँ अगले टॉपिक पे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, वो थोड़ा बड़ा होने वाला है टॉपिक, तो बस बहुत ही आसान चैप्टर है। सो इसी के साथ इस वीडियो को हम खत्म करते हैं, बस लाइक ठोकते हुए जाना। देखो लाइक तो करना, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए तो लाइक तो बनता है यार, कुछ मांग नहीं रहा आपसे। और सब्सक्राइब तो आप भाई कर ही देते हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। अपने दोस्तों में भी कहना भाई सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक करके जरूर जाना, और भाई इंस्टाग्राम अकाउंट को मेरे फॉलो कर देना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। टेलीग्राम को भाई ज्वाइन कर लेना भाई ग्रुप को, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, और अब अगली वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ इसी चैप्टर के। जब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।